मित्रों, कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि भाई, मैं एक समस्या से ग्रसित हूँ। मैं जब स्त्रियों को देखता हूँ तो मेरे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं और फिर बड़ी आत्मग्लानी होती है। उन्होंने मुझसे समाधान मांगा था, तो आज मैं समाधान लेकर प्रस्तुत हूँ, आप सबों के लिए भी प्रस्तुत हूँ। आप में से भी कई लोग इस समस्या से ग्रसित होंगे और ये जो समाधान है बहुत ही सटीक समाधान है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो संसार है ना, संसार हमारे नेत्रों के माध्यम से ज़्यादा प्रतिशत में भीतर पहुंचता है, और जब हम अपने नेत्रों पर पहरा लगा देते हैं ना, विवेक का पहरा, तो ये मन में विकार प्रकट होने जैसी घटनाएं बहुत मामूली बात हैं। फिर भी हम रास्ते पर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रास्ता देखते हुए तो चलना ही है, और बलात ही अनायास ही निगाहें आसपास भी चली जाती हैं बार बार। तो ऐसे में स्त्रियों के दर्शन हो जाएं तो पहली बात तो ये कि उनके प्रति आप मन में पवित्र भावना रखें, माता और बहन की श्रेणी में रखें। इसके बावजूद भी अगर मन में विकार आ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हो सकता कि आप आँखें बंद करके चलें, तो उसका समाधान क्या है? तो इसका एक सीधा सा समाधान है कि जब भी आपकी दृष्टि किन्हीं माता बहन पर जाए, आप मन ही मन दुर्गा माँ का स्मरण करें, ओम दुम दुर्गाए नमः का मानसिक जप शुरू कर दें। निश्चित रूप से आपका विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ये तो व्यवहारिक प्रयोग बताया मैंने। अब जिन भाइयों को विकार ज़्यादा सताते हैं उनके लिए एक और उपाय बतलाता हूँ। वे प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व हाथ पैर मुंह धोकर बिस्तर पर आ जाएं और ओम अर्यमाये नमः का कम से कम 10 मिनट बैठकर यूं ही बैठे, मतलब बिना माला के जप कर लें। ये जो मंत्र है ना, ओम अर्यमाये नमः, ये विकारी वृत्ति से छुटकारा दिलाता है। मन के अंदर अगर जिनके विकार ज़्यादा रहता हो, दर्शन स्पर्श या भाषण मात्र से मन में विकार भड़क उठता हो, तो ऐसे लोगों को इस अर्यमा मंत्र से बहुत लाभ मिलता है। ये मंत्र अनुभूत है, स्वयं मेरा भी और बहुतों द्वारा इसका प्रयोग कराया है मैंने, तो प्रतिदिन आप ये करें। मित्रों, अगर इस प्रकार से रोज के इस गतिविधि में, दिनचर्या में हमारी विकार जो हैं घटते जाएंगे, तो एक दिन हम निर्विकारी परमात्मा की तरफ स्वयं ही बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।